मेरा नाम रेखा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मैं ड्राइव करती हूँ। पहले और काम जो करते थे घरों में लोगों के, कुकिंग का काम, सफाई का काम, तो उसमें कोई इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन इस काम में लोग बहुत अच्छा कहते हैं, शाबाशी मिलती है। कई बार तो उनकी बातें सुन के आँखों में आंसू आ जाते हैं कि मतलब अगर इस मुकाम पे हम पहले होते हैं तो शायद आज कहीं और होते हैं, लेकिन देर से ही सही, अब मुझे कुछ करके दिखाना है। लोग ये चाहते हैं दरअसल आज के डेट में कि मतलब लड़की लेडीज होके ये आदमियों के बराबर पे ना चलें। मेरे घर में घर चलाने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे हस्बैंड गांव में रहते हैं सर, और वो माँ के कहने में चलते हैं, और माँ उनकी यही कहती है कि बीवियों को पैसे देने से बीवियाँ बिगड़ जाती हैं, वो तुझे मरवा देगी। मैंने कार का अपने पापा से, अपने मामा से, अपने चाचा लोगों से सबसे कर्जा लिया, और मैंने करीब 2 लाख रुपए इकट्ठे किए, और फिर मैंने इन्हें कार उठवाई। और मैंने कहा था इनसे स्टार्टिंग में कि तुम छोटी गाड़ी लो, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो उन्हें पता था। अब मुझे ये सब पता होता कि मुझे इतना ज़्यादा आगे मतलब फंसवा के और फिर पतली गली से निकल लेंगे, उन्होंने वही किया। पर डिपेंड है कि अगर अच्छी सोच वाला है तो वो हमें अच्छे ही कह के जाएगा, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ये तो बात मुझे मतलब मेरा हर कस्टमर कहता है, मैं कहती हूँ सर मैं ये बात जरूर सुनती हूँ, बाकी और कुछ सुनूँ ना सुनूँ, पर मुझे एक चीज़ ज़रूर मिलेगी सुनने के लिए कि मैम मैं पहली बार लेडीज के साथ चल रहा हूँ, लेडीज मुझे लेके जा रही है ड्राइव करके। मैं कहती हूँ सर कोई नहीं, इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब दिल्ली में लेडीज ही आपको ड्राइव करेंगी।